हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वसलाम भाई कौन? जी, मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। हाँ जी, आप टांडा से बात कर रहे हैं? हाँ टांडा से बात कर रहे हैं भैया, बताएं। अरे जी भैया, आप आपका नाम बता दीजिए थोड़ा, ताकि बात करने में आसानी रहे। हैं अमर बोल रहे हैं। अहमद? हाँ बताएं। जी अहमद भाई, असल में थोड़ी आपसे बात करनी थी 5 मिनट, ठीक है? थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है, पर्सनल बात है, ठीक क्या है? बात है बताएं। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसको एकदम इत्मीनान से आप सुनिएगा, और मैं आपका एकदम छोटा दीनी भाई हूँ, समझ लीजिए, ठीक हाँ है? जी, मेरे को मतलब भाई एक भाई से मालूम चला है कि मतलब अकरम आप से, अकरम से। हाँ नहीं, नाम मेरे को नहीं मालूम उनका। हाँ, तो उनसे मालूम चला है मेरे को कि मतलब आपने हाँ शायद अपनी बीवी को मतलब भाई तलाक वलाक दे दिया है, हाँ तो क्या मतलब ये उसका आप लोग क्या मतलब भाई वो करवाने वाले हो, निकाह मतलब किसी और से? हाँ उसका निकाह क्या आपको मतलब करवाना है किसी और से? हाँ, किसी और से नहीं करवाना है। तो निकाह आप उसका ना मेरे भाई करवाइएगा किसी और से, ठीक है? क्योंकि हाँ अच्छा, आपने जो मतलब भाई ये तलाक जो आपने दिया था, ये मतलब कैसे दिया था आपने, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सब मालूम है हमें, सब मुफ्ती साहब से पूछ चुके हैं, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नहीं मतलब कहने मतलब भाई उसका मतलब वो हलाला वलाला आप ना करवाइएगा, क्योंकि आपका एक ही तलाक हुआ है अभी, ठीक है? आप चाहे तो उससे दोबारा शादी आप भाई उससे कर सकते हैं, ठीक है? वो आपके निकाह में हाँ ही रहेगी, ठीक है? इसलिए मैंने आपको फोन किया है, बाकी इसमें मेरा कोई ना फायदा है ना मेरा कोई नुकसान है, नहीं मेरे नहीं भैया, को। बहुत हाँ अच्छी बात। किसने बताया भैया, बता दिए बड़ा हमारा चिंतक है। हम 16 फरवरी को फिर जो है ला रहे हैं उनको। हाँ हाँ, ले और एक चीज और आपको बता दे रहे मेरे प्यारे भाई, अब दोबारा कभी अपनी बीवी को चाहे लाख गुस्सा हो, कभी तलाक उसको ना दीजिएगा, क्योंकि मतलब जो ये तलाक है ना, ये बहुत हाँ मतलब भाई देखिए, तलाक मतलब भाई ये जो है ना, ये ऐसा अमल है जो जायज तो है, लेकिन भाई ये नापसंदीदा है, आप समझ मालूम है रहे हैं? भैया, हम बहुत मजबूरी में, हम सुनिए, यही हम पढ़े लिखे इंसान है, इंटर कॉलेज में टीचर भी हैं। हाँ नहीं, मालूम है मेरे को, आप टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने आपको आपसे बात किया। अगर कोई नंबर। जाहिल होता तो मैं उससे बात भी ना करता, क्योंकि भाई वो समझेगा नहीं, लेकिन आप हाँ हाँ माशाल्लाह टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने मतलब भाई सोचा आपसे बात कर लूं। और असल में ये आजकल के जो हनफी आलिम है ना, वो लोग मतलब कहते हैं कि नहीं, अगर आपने तलाक दे दिया है एक साथ तीन, तो आपकी तीनों तलाक हो गई है, अब आपके लिए वो मतलब भाई वो हराम हो गई है ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में जो भाई मतलब कहा है, वो कहा है कि अपनी बीवी को स्टेप बाय स्टेप उसको मतलब तलाक दो। अमल मंजिल है उसकी, है हम हाँ, है उसका पूरा तरीका है, लेकिन अब आपने गलती में या जोश में या गुस्से में या जोश में नहीं, किसी, जोश में नहीं, बहुत मजबूर होकर के, केवल होश ठिकाने करने के लिए हमेशा काम किया, छोड़ने का इरादा नहीं। हाँ लेकिन आपने तो मतलब भाई उसको राइट टाइम करने के लिए आपने उसको बोल दिया कि हाँ जाओ तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तलाक तलाक तलाक, लेकिन ये जो होता है ना, ये जुमला अब ये मतलब भाई ये बहुत बड़ा हो जाता है, आपको होश मतलब भाई वो ठिकाने करना था, तो इसका भी अल्लाह ताला ने तरीका बताया है और अल्लाह के नबी ने उम्मत को समझा दिया है। अगर आपकी बात भाई वो ना माने, आप सबसे पहले उससे आप बातचीत करना बंद कर दो, उसके बाद सब भी ना करने माने चाहिए, तो अपना सब बिस्तर अपना अलग कर लो, उसके सब बाद भी ना करने सब माने तो उसके फैमिली वालों को बुलाओ, अपने फैमिली वालों को सही बैठाओ, है। बैठ के बात करो, समझौता करो, सही, उसके बाद इतना भी ना स्टेप माने आप बता तो रहे हैं। बिल्कुल हल्की मार, वो भी चेहरे पे नहीं, और ये तो उसके बाद सारी भी ना प्रक्रिया माने और कितनी बिल्कुल ही दोनों का मन हो चुका है कि नहीं, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अब रह ही नहीं सकते, अब जीना ही नहीं है, तो सोच समझ के तलाक को दीजिए, वो भी एक बार में एक, ताकि कल को अगर नहीं नहीं पछतावा सुनिए, हो तो मेरी आपके पास मेरी बात बाकी सुनिए, ये मेरी बात सुनिए। तलाक आप की बता मिसाल रहे समझ हैं लीजिए कि आपके पास एक बंदूक है, उसमें 3 गोलियां हैं, आप चाहे तो हम आप समझ रहे एक हैं, साथ सुनिए चला मेरी दें। बात सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए, खाली अपनी न कहिए। जितनी जी आप जी बताइए। प्रक्रिया बता रहे हैं, जितनी आप प्रक्रिया बता रहे हैं ना, सब करके देखा, सब करके देखा, मना किया, रोका, बिस्तर अलग किया, फिर बाद में का थप्पड़ भी दिया। सब करके देखा, सब फिर हमें मजबूर। हाँ सब जितना बता रहे हैं सब, और हम बड़े पक्के मुसलमानों में से हैं, हम नहीं दीन नहीं और इस्लाम माशाल्लाह के लिए बहुत अच्छी शहीद बात शहीद है, हाँ शहीद हो जाने वालों में से हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत कई अच्छी लाख बात है। का मजो हमको रोक नहीं पाता, ये नहीं जान नहीं सही लीजिए।
है भाई तो हम जो कई लाख का मजमा हमको रोक नहीं पाएगा, कोई अगर दीन इस्लाम की बात आ जाए हम कुर्बान हो जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल माशाल्लाह जज्बा ऐसा ही होनी चाहिए मुसलमानों का, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे बताएं। यही यही बात है। तो मतलब आपकी बीवी मतलब भाई आपने उसको तलाक दे दिया तो उसके ऊपर मतलब कुछ फर्क पड़ा कि वैसे की वैसी? बहुत बहुत रोज माफी मांग रही है। एक ही गलती थी, जैसे हमारी शादी हुई थी तो हम 3.5 साल तक जाने आने नहीं दी इनकी माँ के यहाँ, बहुत सिस्टम सही चला। जिस दिन से जाने आने लगी, जिस दिन से जाने आने लगी, फीडिंग होने लगी तो अब वो सब कुछ खत्म करके अपने दम पे आ रही है। नहीं मतलब क्या आपको अपनी सास से या मतलब ससुर से या सालों से? हाँ, या सालियों से आपको मतलब जाहिल है? वो जाहिल है वो थोड़ी वाले एकदम पक्के। अच्छा अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं, पक्के जाहिल है एकदम, कोई नहीं बात नहीं समझा। तो आप सुन लीजिए मेरी एक बात, ये तलाक होने से पहले 6 घंटे हमने उनके बाप को लगातार बुलाया है। हाँ और कहा कि समझा दीजिए कहीं ऐसा ना हो दूरी ज्यादा बन जाए बाद में इकट्ठा ना हो पाए। अब पांचवे संडे को हमने कहा कि समझा दीजिए ये आखिरी बार हम आपको बुला रहे हैं, फिर भी हमने 6वें संडे को बुलाया। फिर 7वां संडे आने से पहले शनिचर को हो गया, ईद का 3रा दिन था। अच्छा, त्यौहार और हम जिस घर में रहते हैं उसमें सिर्फ मेरी वाइफ रहती है ना, वहाँ साथ है ननद है, और सुबह हम 9 बजे निकलते हैं, रात को 9 बजे घर आते हैं। क्या लफड़ा है बताइए? ये तो बात सही है। क्या लफड़ा है बताइए आप? नहीं आजकल की बीवी को भी सोचना चाहिए कि अगर उसका शौहर कह रहा है कि यहाँ ज्यादा मतलब आओ जो मत, तो उसको भी मतलब भाई कंट्रोल करना चाहिए। हम इस्लाम पसंद आदमी हैं, शौहर परस्ती और तो करनी पड़ेगी, अगर हमारी इजाजत नहीं है कि यहाँ ना जाओ तो उनको नहीं जाना है। हाँ लेकिन आपको भी औरत का मतलब भाई इतना अधिकार तो देना ही पड़ेगा कि वो अपने माँ बाप से उनके वहाँ जाके ना मिले, लेकिन आप उनको अपने वहाँ तो बुला ही सकते हैं कि आपकी बेटी है भैया 15 दिन में हफ्ते भर में महीने भर में एक बार आके मिल लीजिए। हम ये नहीं कर पाएंगे, हमको अपनी फैमिली चौपट नहीं करनी है। मेरा 5 साल का एक लड़का है और ब्रिलियंट माइंडेड है, दोनों फैमिली के चक्कर में चपेट हो, ये सब नहीं होगा। अब आपका मामला थोड़ा अलग है तो आप भाई अपने देखिए जमीन जमाना माहौल आ सकते हैं। और हमने उनको सब पहले बता दिया है फोन से कि अगर ये सब करते मंजूर होगी तो दोबारा दामन पकड़िएगा वरना नहीं, पहले बताया है कि बाद में ना कहेंगे झूठ, हम जानते तो ना आते। नहीं नहीं सही बात है। देखिए अगर आपको नहीं पसंद है सास ससुर तो ठीक है, बीवी से अपनी बता दीजिए कि भैया मेरे सामने मेरे भाई मतलब ना वो मेरे सामने आए ना मेरे सामने तुम उनके वहाँ जाओ, तुम्हें बात करनी है कभी कदार हफ्ता 15 दिन में माँ बाप की बहुत ज्यादा याद आए तो फोन से बात कर लेना। आप बता दीजिए मेरी शादी तय हुई ठीक है जी, मेरी सास की तबीयत खराब हुई, मेरी माँ ने कहा कि इलाज करा दो। क्या करते? मेरी माँ ने कहा कि इलाज करा दो। इलाज? अच्छा हाँ इलाज करा दो। शादी से पहले 19 महीना 20 दिन हमने इलाज किया है उनका। अच्छा अच्छा हाँ मतलब शादी से पहले हर तरीके की मदद की है, उसके बावजूद अच्छा। गाली देते हैं, उसके बावजूद गाली देती है मेरी सास कहीं भाग पकड़ा आपने हमारे घर ना आए। अच्छा मतलब आपकी सास ने आपको मतलब गालियाँ दी? हाँ गाली दी है और 19 महीना 20 दिन हमने इलाज किया है उनका। अरे अरे चलिए अल्लाह रहम करे। देखिए अब गाली दे रही हैं, अपने अमाल कम कर रही हैं, अब क्या हाँ, बता सकते हैं भाई? कर रही है। इधर तो ज्वालामुखी देख रहा है ना कि हमने ये सब अच्छा करने के लिए किया था, बुरा करने के लिए नहीं किया था। नहीं सही बात है भाई, तकलीफ तो होती है कि आदमी अपने जान माल पैसों से भाई अपनी सास ससुर की सेवा कर रहा है और सास ससुर मतलब उसको कूड़े के भाव एकदम रख रहे हैं। किसने नंबर दिया है आपको? मेरा नंबर किसने दिया है आपको भाई? एक वो व्हाट्सएप पे एक दोस्त है मेरे, ठीक है, उन्होंने आपका नंबर हमें मतलब पर्सनल में मतलब दिया था कि अफू भाई आप थोड़ा उनसे बात कर लीजिए, कहीं मतलब ऐसा ना हो कि कहीं कुछ उल्टा सीधा स्टेप उठ जाए तो मतलब भाई वो गुनहगार हो जाए दोनों लोग। तो मैंने एक भाई के नाते आपको फोन किया, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। अच्छा लगा क्योंकि देखिए भाई कल को मेरे साथ ऐसा होता है और अगर कोई जानकार आदमी या कोई अपना दीनी भाई अगर मेरे को फोन करके समझाता है तो मतलब एक मतलब वो हिम्मत आती है कि आप मतलब भाई आज ही अपने नंबर हम फीड करेंगे और आपसे हम मिलेंगे भी इलाहाबाद तक। जी 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 इंशाल्लाह बिल्कुल आप आइएगा मिलेगा, साथ में इंशाल्लाह खाना खाएंगे और भाभी को लेके आइएगा, ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है ठीक है। और आप लोग एकदम आराम से रहिए, अल्लाह ताला आप लोगों की भाई को मतलब भाई शादी शुदा जो आपके मामला है उसको ठीक कर दे, आप लोगों की जिंदगी में भाई वो बरकत दे ठीक है, औलादों में बरकत दे, खुशहाली दे, बड़ी बड़ी परेशानी बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है मेरे भाई रखें फोन, ठीक है, खुदा हाफिज़। ओके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।